मेष राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखिए, क्योंकि आपको इस समय सेहत की समस्या हो सकती है। संतान पक्ष को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। शाम तक हालांकि धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, अचानक धन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य का इस समय थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, वाद विवाद आपके समाप्त होंगे, नौकरी में अनुकूल परिवर्तन होगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क राशि, आपकी तमाम मानसिक चिंताएं दूर होती दिख रही हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें, परिवार की स्थितियों पर ध्यान दें। शाम तक आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, संपत्ति के कार्य आपके बन जाएंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। यात्राओं में इस समय सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला राशि, पारिवारिक स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है।
तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। हालांकि शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनेश्वराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मकर राशि, परिवार में आपके खुशहाली आएगी, परिवार की उलझनें दूर होंगी, लेकिन आज चोट चपेट से थोड़ा बचिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनेश्वराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, काम का नया अवसर मिलेगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, प्रियजनों से आपकी मुलाकात होगी। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनावश्यक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।